पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि उनकी सरकार 2008 के मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को इंसाफ के कटघरे में लाना चाहती है और ये पाकिस्तान के हित में है। एक तरह से उन्होंने मान लिया कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान की धरती पर रची गई थी। इमरान खान का ये बयान उस समय आया है जब नरेंद्र मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। पिछले महीने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक वह भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकी गतिविधियों को बंद नहीं कर देता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर बुरी तरह से आलोचना का सामना करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ने जुलाई में चुनाव जीतने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा था कि भारत एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम दो कदम चलेंगे। अपने नए बयान में उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद नवंबर 2008 में मुंबई हमले के दोषी आतंकियों को सजा दिलवाना चाहता है। 26 नवंबर 2008 को हथियारों से लैस लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर आतंकी हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।